मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love ओए लगता है तेरे बुंदे चुरा लिए किसी ने नहीं जुगनू कहाँ से आ गए यहाँ पे वो पैसे हुमायूं सईद ने इजी पैसा किया या किसी और के गलती से आए हैं गलती नहीं होती इजी पैसा में चल वापस ढूंढ सल्लू अच्छी तरह ढूंढ हुमायूं सईद ने कट्टो को पैसे भेजे हैं ए होश में तो है तू क्या कह रही है अरे सही कह रही हूँ सीधा जा रहा हूँ मुस्तकीम के पास और जाके उसे शर्मिंदा करके पानी पानी कर दूंगा ब्लीच लगा के तुम हमें और हम तुम्हें जलील तो करते ही रहते हैं कोई नई बात कर यार अबे बिल्कुल नई बात है ताजी ताजी भाप निकल रही है इस बात में से समझ गया क्या नहीं समझ गया आ जा तू आ जा बस तू आ जा मैं आ रही हूँ अच्छा ठीक है तो फिर वही इंतजार कर मैं आ रही हूँ आ रही हूँ मैं मुस्तकीम छोड़ूंगा नहीं बड़ा संजीदा लग रहा है चल के देखते हैं अबे ओ मुस्तकीम की औलाद स्टार्ट हो जा ले मैंने खुद चाबी नहीं खोली मुस्तकीम को पूरा हाँ आ जाऊं बेटा ये शाहिद को ना मैं आज फोन करती पूछती हूँ आखिर चाहता क्या है बंद करके रखा है काम ही नहीं करता कब बखत मारा हेलो ये मुझसे पैसे लेके तुम कहाँ गायब हो जाते हो मेरी जान गुफ्तगू का आगाज जरा प्यार से कर लिया कर तुमने वो फोटो शूट की शर्ट लगाई तो मैंने घर के पैसों में से तुमको पैसे दिए तुम्हारा एहसान मानू और तुम्हारी हमारी जो दोस्ती है वो किस खाते में जाएगी हाँ बोलो तेरी दोस्ती की खातिर तो तुझे रोल मुफ्त में दिलाया वरना तो ऐसे रोल के लिए लोग जो है ना अच्छे खासे पैसे देते हैं तो कहाँ है वो रोल हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और वो कट्टो नहीं है उसको हुमायूं सईद जो ना इजी पैसा भेज रहा है हाँ क्या क्या कहा तूने पूरे मोहल्ले को पता है और एक बात बताओ तुमसे मेरा कोई भी काम नहीं होता ये अब क्या याद आ गया तुझे मैंने तुमसे सिर्फ एक ही काम कहा था हुमायूं सईद का नंबर दे दो इतने दिन हो गए अब तक नहीं दिया तुमने अच्छा अच्छा देता हूँ ना बल्कि तुझे सेंड कर देता हूँ बल्कि शाम को आ रहा हूँ ना तेरे घर आ रहा हूँ मैं शाम को बस बस बहुत आ गए तुम मेरे घर अब मुझे रोल चाहिए हुमायूं सईद का नंबर चाहिए और फोटो शूट चाहिए अच्छा अच्छा करता हूँ ना इसी हफ्ते करता हूँ कुछ नहीं मुझे अभी अभी चाहिए वरना अपनी मनु शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना समझे लड़की है यार ये तो अगर ये मेरे पैसे खा गया तो पैसे तो मैं अपने ना इसके हलक से निकाल छोड़ूंगी नहीं और रोल तो मुझे ना इसका भाप ही दे रहा था सब्जी भी बना ली अभी ले मैं जुगनू थोड़ा सो ले आराम कर ले थोड़ा सा ए तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे हो अब दोपहर के 2 बज रहे हैं अब क्या करूंगा काम पर जाकर अब ऐसे भी आज मौज मस्ती करने को दिल चाह रहा है कोई नहीं फौरन काम पर जाओ और पैसे जोड़ जोड़ कर मुझे दोबारा से बुंदे बना कर दो 4 दिन भी पहनना नसीब नहीं हुए थे हाँ यार वाकई बुंदे कहाँ गए ए जुगनू कहीं फूफू ने निकल तो नहीं ली नहीं यार मुझे तो लगता है बुंदे सुल्तान ने चुराए हैं एक बात बताऊं बुंदे वाकई सल्लू ने चुराए थे अबे नहीं यार तो फिर उसके कमरे से मिले क्यों नहीं क्योंकि मैंने वहां से निकाल कर फूफो के परस में खुद रख दिए थे
अबे नहीं यार, अबे तूने क्यों रखी थी पप्पू के पास? इसलिए कि पप्पू को ठेले का पता चल गया था, इसको तुंतुने ने सब बता दिया। जब भी तो वो बोल रही थी कि जो चोर हुआ उसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब अगर सल्लू चोर निकल आता तो उसको घर छोड़ना पड़ता और फिर फुप्पो बुलवा लेती मंजले को। अब फुप्पो की पार्टी ताकतवर नहीं हो जाती, कद्दू हो जाती। मैं ऐसे घुसने देता मंजले को और सुल्तान ऐसे चला जाता घर छोड़कर। आखिर उसकी रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है। बहरहाल बालियां फुप्पो ने मुंह में रख ली थी और हमारे इसरार करने पर निकल ली थी। हाँ भाई, तुंतुना उनसे सुइयां छुरियां ब्लेड भी निकलवा सकता है। फिर तुंतुना, अरे मामा फ्रॉड करती है फ्रॉड। अरे मैं तो फौरन फौरन निकलो काम पर जाओ और मेरे लिए पैसे जोड़कर दोबारा से ज्वेलरी बना कर दो। ऐसे थोड़ी ना बना दूंगा, जब तो किसी बात पे नाराज होएगी मनाने के वास्ते है। अरे हाँ जुगनू, मनाने वाली बात से ना मुझे शूटिंग याद आ गई। वो शूटिंग पर ना बड़े मजे की बात हुई है। क्या? वो जिस लड़की के घर में शूटिंग नहीं हो रही थी, उस लड़की का और हुमायूं सईद का ना अफेयर चल रही है। अबे नहीं यार। हाँ, रोमांस कर रहे हैं दोनों। ए लैला मजनू की औलाद, ये रोमांस छोड़ो, आगे मेरा कमरा साफ करो। अरे हम रोमांस नहीं कर रहे, जुगनू को कट्टो और हुमायूं सईद के अफेयर के बारे में बता रही हूँ कि उनका रोमांस चल रही है। अबे अनवर, अबे एक कप चाय लेके आ यार। हाँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। हाँ आप बताओ भाई, हुमायूं सईद और कट्टो का रोमांस चल रहा है, अबे क्या कह रहे हो? अबे सही बोल रही हूँ मैं, दारी महल्ले की औरतों को पता है कि हुमायूं सईद हमारी गली के कट्टो पर आशिक हो गया है ब्लीच लगा के। पागल हो गए हो क्या भाई? कभी हाथी ने भी मक्खी का घूंघट उठाया क्या? अबे कुर्बे कयामत है भाई, कुर्बे कयामत जो ना हो वो अच्छा है। अबे शूटिंग पे आया था जरा सी घर में, पता नहीं उसको कट्टो की कौन सी अदा भाग गई है भाई। हाँ अच्छा, बस एक बात बताओ, वो तो दिखने में लगती कैसी है? अबे समझते थे, अबे अबे जो हमारे महल्ले की माँ बहनों को पूछ रहा है मुझे खैर है तुम्हें से। माफ करना मुगले आजम, वैसे घर कहाँ है मुस्तकीम भाई का? कहाँ जा रहे हो? ये चाय एक घूंट पियो, ये वापस नहीं होगी। भाई पीले बेरे पी लेते हैं। और बिल? अबे पैसे दे दियो उसे, मुकीम से कीमत से ले लियो। हर बार यही करते हो यार। ए, मैं कह रही हूँ आके मेरा कमरा साफ करो। उस वक्त तो तुम कह रही थी मैं खुद साफ कर लूंगी। आगे कितना करूं भाई? ए, तुम लोगों ने छापा मारा मेरे कमरे में, सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। शर्म नहीं आई ये सोचते हुए कि मैं बंदे चुराऊंगी? अरे उस वक्त फूफो हमने तुम्हारा मुंह खुलवाया, अब तुम हमारा मुंह ना खुलवा लेना। हाँ बस समझ लो, चिक चिक करती रहती है ना। क्या समझ लूं मैं, क्या समझ लूं मैं? अब वैसे तुझे मुंह खोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत तो नहीं है। अब पुप्पो ये बोल रही थी कि पुप्पो ने बालियां मुंह में रख ली थी। हाँ आज तुम्हें किसने बताया? मेरा मतलब है तुम्हारी अम्मा ने आके तुम्हें ये बात बताई है। हे पुप्पो, यहाँ हम तीनों की माए मरी हुई है, तू किसकी माँ तक पहुँच रही है? जाहिर है तुम दोनों की माँ के बारे में बात कर रही हूँ, ये मेरे पे इल्जाम क्यों लगाया भाई? तुम दोनों के ना घुटनों के आगे आएगा मुझ पे इल्जाम लगाने वाला। अरे तुम्हारे होते हुए एक दिन भी सुकून से गुजर सकते हैं इस घर में? जाओ अभी करते तुम्हारा कमरा साफ, चिक चिक ही करती रहती हो। हाँ मैं चक चक करती हूँ, मैं चक चक करती हूँ तो ना मैं करती हूँ ना चक चक है? ये तो बताओ ना, बताओ ना मेरे मंजे का ठेला किधर है? अरे यार, मुझे सारा महीने इस बंदे का ख्याल नहीं आया। नीलोफर का कम से कम फोटोशूट का तकाजा तो पूरा हो जाएगा और बिल भी बढ़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? ठीक हूँ। जरा बाहर आएंगे, दो मिनट बात करेंगे। जरूर, बिल भरवाने होंगे।
अरे नहीं यार, बिल नहीं भरवाने, वो तुम्हारे लिए रोल निकाला है मैंने, बहुत अच्छा करेक्टर, आज शाम को शूट है तुम्हारी। सच कह रहे हो शायद भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये निपटा दो जरा, फिर बाहर आ जाओ, चलते। आओ जल्दी लो। यार भाई क्या खूब तुमने मेरा नाम याद रखा है। हुकुम? हुकुम क्या यार, वो तुमसे मैंने कहा था ना एक रोल निकालने के लिए, वो एक कैमरामैन का रोल निकाला है मैंने, जो हीरोइन का फोटो शूट करता है, वो काम करना है। छोटा ही सही, वो उस रोज मैंने घर वालों को जाके बताया, उसके बाद तो ना खुद आए और ना ही नंबर देखेगा। हाँ यार, मैं दुबई चला गया था नदीम बेग साहब के साथ, वो है ना जवानी फिर नियानी फिल्म बन रही है ना पार्ट टू, उसके लिए चला गया था। वो आते के साथ ही मैंने रोल देखा, मैंने कहा यार ये रोल तो तुम पे शूट करेगा। अच्छा अच्छा, फिर छोटा ही सही, स्क्रीन पे नजर आऊंगा, घर वालों के सामने इज्जत तो रह जाएगी। स्क्रीन पे? मैं तो तुझे फिल्म कराऊंगा जवानी फिर नियानी, ये सिल्वर स्क्रीन, मैं भी शयाद हुमायूं सईद, उसके बीच में ऐसा शहजादा लगेगा, देखियो तो सही मैं क्या काम करता हूँ। अच्छा तो फिर कल? आज ही शाम, अगर तुम बोलो तो सुबह भी रखवा सकता हूँ। शाम ही रखवा लो शूट, सुबह तो यहाँ होता है। तो मेरा लाइन प्रोड्यूसर है ना ओमी, वो तुम्हें लाइन अप कर देगा। हाँ बिल्कुल ठीक। तुम यकीन करो, ये रोल करने के लिए लोग कितने पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। अरे यार हम तो तुम्हारे चेहरे पे मर मिटे हैं। मैंने कहा यार ऐसा आर्टिस्ट कहाँ बैठा हुआ है, मैंने कहा लेके आओ इसको हीरो बनाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शायद भाई, और बिल बिल भरवाने तो बताएं। बिल भरवाने होंगे तो मेरा भाई बैंक में मौजूद है ना, भी आ जाऊंगा भर लूंगा। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई नीलो पर तेरा फोटो शूट तो मैं आज ही करवा दूँ, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी तेरी। आज के आज ही मुझे मंगले का ठेला वापस चाहिए। कोई ठेला वेला नहीं है हमारे पास, और तू क्या करेगी ठेला? भुट्टे भूनूंगी। आज के आज ही चाहिए मुझे ठेला वापस। नहीं तो जुगनू एक काम करो ना, इन्हें ठेले पे बिठा के ना बीच चौराहे पे जाके छोड़ देना, सारा दिन सवारियां बुलाती रहेंगी, नोट कमाती रहेंगी, और शाम में जाके ना ठेला और गुल्लक लेकर आ जाना इनसे। वैसे आइडिया बुला लिया पप्पो, और मुझे भी साथ ले जाने की क्या जरूरत है, कोई बच्चा रख लेना पिक एंड ड्रॉप के लिए। देख देख जुगनू सवारी का मजाक ना उड़ा तू। हाँ मुझे उस आदमी का नंबर चाहिए जिसके कहने मंजिल ने अपना ठेला छोड़ा था। हाँ तो तुमने भी तो मेरी बालियां अपने मुंह में रखी थी, और जब सबने बोला तो तुमने निकल ली। देख देख कैसे बात बदल रही है, तो मैं तुझे बाहर से हटने नहीं दूंगी। ठेला कहाँ मिलेगा? बालियां बताओ बालियां। ठेला बता। पहले तू बालियां बता। देख तू बात को उड़ा रहा है ना फिर। ठेला ठेला ठेला। बालियां बालियां बालियां। ठेला बालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह, आज बड़ी जल्दी आ गया, मैंने बुलाया भी नहीं और फौरन पहुंच गया। तुम्हारा घर किधर है कीमा भाई? ओए कीमा होगा तेरा बाप, मेरा नाम मुस्तकीम है, खबरदार जो ये कीमा वीमा ये सब उसको मुगले आजम को देख के तेरी भी हरकतें हो गई। माफ कर दे मुस्तकीम भाई, अब बता देना तुम्हारा घर किधर है, पहले जाके चाय लेके चल। कीमे कीमे शुरू कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, बड़ी जल्दी चाय ले यार। अब बताओ ना तुम्हारा घर किधर है। तो मेरे घर के पीछे क्यों पड़ गया तू? वो ना पहले चाय के पैसे दो। पागल हो गया क्या, बाबला हो गया क्या, आज तक मैंने पैसे रोके हैं तेरे जो आज इस तरह मांग रहा है तू? नहीं तुम तो नहीं भाग रहे, देखा मुझे भगा दोगे। क्या बात क्या हुई ऐसी, बता तू सही। पहले आप चाय के पैसे। अब आज मरे जा रहा तू है ये अलग। अब दूसरी चाय के भी पैसे दो। दूसरी कौन सी, अभी तो एक भी नहीं पी। वो मुगले आजम पी कर गए थे ना, तो उन्होंने कहा था मुस्लिम भाई से ले लेना पैसे। अच्छा तो ये मुगले आजम की हरकत है, मुझे बुलवाया कि आओ चाय पीते हैं, खुद अकेले चाय पी कर निकल लिया है। नहीं वो ये कहने नहीं आ रहे। क्या कहने आया? पहले चाय के पैसे दो ये लो। वो बोल रहे थे तुम्हारी बेटी है ना कट्टो, उसका हुमायूं सईद से चक्कर चल रहा है। क्या मुगले आजम ने कहा?
इसका मतलब है मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है। अब कट्टो से जाके पूछ लो। ठीक है, अभी पूछ कर बताता हूँ मैं तुझे। और चाय तो पीते जाएं। तू ही पी ले। वाह, आज तो दो दो चाय, वो भी फ्री में। कट्टो, ए कट्टो, किधर है रे? ओहो, आ गई तुम। हाँ, वो सीरियल की तैयारियों में बिजी थी ना, वही सीरियल जो तेरे घर पर शूट हुआ था, उसमें वो हीरोइन ही है रानिया, उसकी बड़ी बहन का रोल कर रही हूँ। अच्छा, पता नहीं, मैं तो फिल्म करने वाली। हाँ बता रही थी सोनिया और अनारकली। मुझे सच बताना, आखिर मामला क्या है? लो, मामला क्या होना है? हुमायूं को पसंद आ गई हूँ मैं, आज तो पैसे भी भेजे मुझे। अच्छा, अगर वो तुझे इतना ही पसंद करता है तो तू मेरे सामने जरा फोन करना, ये ले, है ना? अभी बिजी होंगे वो, लेकिन चलो कर देती हूँ, तुम्हें कौन सा यकीन आना है। इस बार ना वही 6 नंबर मिलाने वाली टेक्निक करती हूँ। अच्छा बात सुन, जरा स्पीकर ऑन रखना, मुझे भी तो पता चले ना कि हुमायूं सईद फोन पर है भी कि नहीं। हाँ हाँ ऑन कर। तुम अजीबो नीलू बाजी चिपकी गई हो, कौन हो तुम? मेरी माँ हो, मेरी दादी हो, हैं? करना यकीन तो करो वरना जाओ अपने घर को। आय हाय, तू तो नाराज हो गई। अरे मुझसे हजम नहीं हो रही ना ये बात, चल छोड़ दे गुस्सा। कैसे छोड़ू गुस्सा, तुम्हें तो हमेशा मेरी काट में लगी रहती हो भाई। इतने बिजी टाइम में तुमने मुझसे तो फोन करवाया, बीवी ना भी हो तो दूसरे लोग तो होते ना सेट के ऊपर, बीवी तक पहुंच गई बात तो, अखबारों में आ गई तो बात। और वो जो तूने अनारकली को मैसेज दिखाया था कि प्यार करती हूँ तो मैसेज करो वरना डरती हूँ तो मैसेज ही ना करो। देखो नीलू बाजी, तुमने मेरा दिमाग शार्ट कर रही हो। अच्छा ना, गुस्सा थूक दे, एक प्याली चाय तो पिला। देख उस दिन शूट के बाद अब आई हूँ मैं तेरे घर पर। चाय पत्ती खत्म हो गई है। अरे ऐसा ना कर, कट्टो हट, दोस्त नहीं है मेरी, एक कप चाय तो पिला दे। बस करो मुझे मारना। ए पिला दे चाय, पिला दे कुकड़। ये देख कैसा है ना। और दूसरी बात ये है कि तेरा मुंह मीठा करना चाह रहा था, ये देख मिठाई लग गया। अरे तुम तो मैं शाह की सवारी आई थी ना, तो सच्ची बता कर गए कि तेरे बंदे किसने चुराए और कहाँ रखे। ओ हीरो, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे भाभी, और तुम्हारे बाप को ईमान दे, कम से कम पैसे खाकर रोल तो दिला देना, लेकिन वो कमबख्त तुम्हारा तो पैसे ही खा जाता है, देखना कितनी बुरी बात है। वैसे पैसे खाना इतनी बुरी बात नहीं जितना भाभी के जेवर चुराना बुरी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुझे पता है भाभी होती है माँ समान, और माँ के जेवर चुराने वाले को क्या कहते हैं? बेगैरत। हाँ बेशक, लेकिन भाभी के जेवर चुराए किसने? तूने नहीं चुराई है मेरी बालियां? हैं? मैंने? हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं तेरी अदाकारी पे, वाकई एक्टर है तू तो। भाभी मेरा दिमाग क्यों शॉर्ट कर रही हो, मैंने नहीं चुराई तेरी बालियां। देख सल्लू, तू कबूल कर ले वरना बात आगे बढ़ गई तो। ए भाभी, खामखा क्यों बकवास किए जा रही हो? ऐसा बोल, तुझे पता है ना उनके कान हर वक्त हम लोग की बातों पे लगे रहते हैं, वो वैसे भी ना हमारी टीम तोड़ने के चक्कर में। तो फिर खाली पीली इल्जाम क्यों लगा रही हो? तलाशी में बुंदे मेरे कमरे से निकले थे, वो तो सब फूफो के मुँह में थे। बालियां थी तो फूफो के मुँह में, लेकिन निकली ना तेरे ही कमरे से थी। तो फिर फूफो के कमरे में, मतलब उस वक्त उनके मुंह में कहां से आई बालियां? मुंह में उन्होंने खुद छुपाई थी और उनके परस में रखी थी मैंने, मगर निकली वो सल्लू तेरे कमरे में तेरे पैंट की जेब से थी। क्या? हाँ, तेरे कमरे में तेरे पैंट की जेब से निकली थी मेरी बालियां। वो तो मैं समझ रही थी कि जिस दिन ये आएगी उस रोज मेरा पोल खोल ही देगी, मगर फिलहाल तो पोल पूरी तरह खुलने से बच गया है। लेकिन ये अगर पीछे पड़ गई ना, इसलिए तो झगड़ा नहीं पड़ाया, और ना तो लड़ने में खुद छेड़ निकालती है और खुद लड़ाई बढ़ाती है, मगर आज कन्नी कतरा गई क्योंकि उसे मेरा भांडा जो फोड़ना है। लमिया सॉरी, हाँ देखो मैं नमाज में बैठे बैठे क्या क्या सोच रही हूँ लाहौल में। लमिया ये जो मैं सब सोच रही हूँ और कर रही हूँ ना, इज्जत रख लियो, भांडा ना फोड़ना है।
तुझसे इसीलिए पूछने आई हूँ कि मेरे बुंदे तूने तो नहीं चुराए। अरे भाभी मुझसे कसम ले लो, मेरी माँ की कसम मैंने तेरे बुंदे नहीं चुराए। तो फिर फुप्पो ने किसी प्लानिंग के तहत तेरी जेब में सब बुंदे रखे मेरे। कैसी प्लानिंग? मुझे लगता है उनको मंजले के ठेले का पता चल गया कि वो इस्तेमाल करके हम लोग आमदनी हासिल कर रहे हैं। वो कैसे? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन तू ये बात सुन ले कि फुप्पो तुझे निकलवाने के चक्कर में कि तुझे कोई भी इल्जाम लगा के तुझे इस घर से चलता करेगी और मंजिले को यहाँ ले आए हमारे सर पर ताकि वो हम पे गालिब हो जाए। ना मैं भागने वालों में से हूँ और ना ही मंजिला आने वालों में से है। अल्लाह करे वो इस घर में कभी ना आए। अरे हम आने देंगे तो वो आएगा ना, और अगर आ भी गया ना तो मार मार के उसे भगा देंगे। ये हुई ना टीम स्पिरिट। अगर मैं मंजिले के ठेले में से हिस्सा लूंगा। आ गया अपनी औकात पे। हेलो हेलो, कौन आसमा बात कर रही हो? अबे देख के फोन मिलाया करो ना, इंसान हजार काम छोड़कर आता है तुम्हारा फोन उठाने के लिए। आप कौन बोल रही हो? तेरी माँ बोल रही हूँ मैं। फोन रख, वरना ना हुमायूं को बोल दूंगी, तेरी शिकायत लगा दूंगी मैं, मुंह तोड़ कर रख देगा वो तेरा। कौन हुमायूं? मेरा बॉयफ्रेंड हुमायूं सईद। फोन रख। कौन वो तंदूर वाले सईद चचा का लड़का हुमायूं? उस हुमायूं सईद की बात कर रही है? अबे फोन रख, वरना सईद चचा के ना उसी तंदूर में तुझे झोंक दूंगी मैं, समझा? जी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मैं भी पता नहीं किससे मुंह लगा रही हूँ। कौन है भाई? होने चाहिए, इतनी देर हो गई यार। आ रही हूँ बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अब आ रहे हो? हाँ भाई, पहले तो मैं यहाँ से चला गया होटल। होटल में मुझे एक ऐसी बात पता चली कि मेरा दिल क्या सीधा जाऊं मैं मुगले आजम की तरफ जाके उसका गिरेबान पकड़ूं, मगर फिर मैं वहां से नाजमाबाद चला गया पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। क्यों अब्बा, पैसों के बंदोबस्त करने की क्या जरूरत थी? मामू ने पैसे जो भेजे और ये मुगले आजम ने क्या किया है? तेरी पहली बात का जवाब तो ये है कि मैं तेरे लिए जोड़ा अपनी कमाई से लाना चाह रहा था, ये देख कैसा है ना। और दूसरी बात यह है कि तेरा मुंह मीठा करना चाह रहा था, ये देख मिठाई लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा, कहीं तो तुम जोड़ा ला रहे हो मेरी शादी का और मुंह मीठा करा रहे हो, फिर कहीं तुम मुगले आजम को गिरेबान से पकड़ने की बातें कर रहे हो। नहीं, अब मैं मुगले आजम का गिरेबान नहीं पकड़ूंगा, उसकी ऐसी ठुकाई लगवाऊंगा, ऐसी ठुकवाई लगवाऊंगा। मगर क्यों, क्या किया है? तुम्हें और मुझे बदनाम कर रहा है। बेटा ये बात किसी और को बताने से पहले मुझे बतानी चाहिए। कौन सी बात अब्बा? यही वो जो हुमायूं से जो जो मतलब कुछ हो रहा है, जो भी। हे अल्लाह, बात वहां तक पहुंच गई है। लो बताओ और क्या, हमारे घर की खुशियां दूसरों के मुंह से सुन रहा हूँ मैं। ओ कोई खुशी नहीं अब्बा, अफवाह फैलाई है किसी ने। अफवाह? अफवाह ऐसे तो नहीं फैलती बेटा। और नहीं तो क्या अब्बा, ये बात नीलोफर या अनारकली ने अपने दिल से घड़ ली है और कुछ नहीं। मगर कोई बात तो होगी ना बेटा, जो ये बात हो गई। नहीं अब्बा कोई बात नहीं है। देख अगर मेरे डर से तू नहीं बात कर रही है तो मुझसे मत डर, लड़का अच्छा है, मैं राजी। बात सुन, ये कट्टो अपनी हथेली में से देख के नंबर मिलाती है ना। हाँ कई बार वो फोन मिलाते मिलाते कोई हेर फेर करती है, या तो बेल जाने के बाद बंद कर कर बात करती है, या फिर कोई और चक्कर है। मगर मैं तुझे ये बताऊं, ये हुमायूं सईद से ना प्यार भरी बातें नहीं करती। ये तुम कैसे कह रही हो नीलो बाजी? देख उसकी आवाज और लहजे में अजनबीपन था, जैसे ना पहली बार बात कर रहा हो। हालांकि उसने बाद में ना बात की रही को पेटने की बड़ी कोशिश की, मगर मैं भी ना मसाले की प्यार से छिलके उतार दे रही। अरे हंडिया पकाना छोड़ो, साफ साफ बताओ भेद क्या खुला। अरे उसने मुझे लड़के निकालने की कोशिश करी, इसलिए मैंने बाल की खाल नहीं उतारी, क्योंकि अगर लड़ाई हो जाती है घरों में आने जाना मन हो जाता है।
तो तू खुद करना हुमायूं सईद से बात, तेरा भी तो अच्छा दोस्त है। यही तो सोच रही हूँ, मेरा इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद आज तक मुझे नंबर नहीं दिया और उस कट्टों पे मर मिटा। वही तो, मैं अभी ना नीलोफर हूँ, नीलोफर छोड़ूंगी नहीं, बहुत ही खान निकाल के रहूंगी। ये पता सालन कैसा बना है? मजे का। आप ये बता मुझे, तू किस बात का हिस्सा मांग रहा है मुझे, मुझे बोल दे। मंजिला देकर गया था ठेला गयास भाई को, उसे बोल बच्चन सुनाकर तूने उससे ठेला तो ले लिया, अब उसकी कमाई तो अकेले अकेले तोड़ रहा है। उस हिस्से की बात कर रहा हूँ, और समझाऊं क्या कुछ? देख भाई देख देख देख, एक माल उसी का होता है जिसकी कोपड़ी में आईडी आ जावे। इतने दिन से बेकार पड़ा था, उस वक्त तो तुझे कुछ नहीं हुआ, अब मैंने थोड़ी सी मेहनत की, पैसा लगाया तो खुद पड़ा। शाह तो तू साबित करके तेरा कितना पैसा लगा, उसका आधा मुझसे ले फिर दो मुझे आधी आमदनी। देख देख देख, तू मेरा खून जला रहा है, खून जला रहा है तू मेरा। अम्मा तो तुम्हारा खून भी सफेद हो रहा है पुप्पो की तरह। अड़ी कर रहा है तू, अड़ी कर रहा है, जा जा तुझसे जो होता ना कर ले जा। देखो जुगनू भाई, समझा रहा हूँ, मिल बांट के खा लो, वरना वो बिल्ली बन जाऊंगा जो खाए ना खाए लेकिन औंधा जरूर देती है। अरे क्या औंधाएगा तू, क्या क्या कर लेगा तू, क्या करेगा? अच्छा मैं मंजिला को फोन कर रहा हूँ, पुप्पो के पास नंबर हो ना हो मेरे पास जरूर है मंजिला का नंबर, अब बताओ। मैनेज कर लेते हैं मेरा भाई, अगर तू बोले तो। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। आए किधर गए ये सारे, तारा जुगनू का दरवाजा ही बंद है। और ये सुल्तान किधर है? उन्हें तो मुझे आज ही सुल्तान से बरामद करवाने, वरना फिर वो मजा नहीं आएगा। ए सुल्तान के कमरे का दरवाजा तो खुला, मगर लगता अंदर है नहीं, देखू तो। कमरे में तो नहीं है, छत पे होगा, छत पे जाके देखते हैं, और अगर किसी ने देख लिया तो कह दो क्योंकि पैसा भारी आएगी, मुझे क्या पता मैं कैसे आ गई हूँ। यहाँ पे क्या कर रही है ठंड में बैठ के? मेरे को गुस्सा आ रही है। किस पे गुस्सा आ रहा है, काय के लिए गुस्सा आ रहा है? मेरी कट्टो रानी को क्या हुआ? छोड़ो अब्बा, बताओ चाय पियोगे? बना दूं। देख बेटा मुझे सच सच बता, अगर कोई ऐसा वैसा मामला है ना तो मुझसे ना छुपा, सच बता दे। अरे बाप समझ कर नहीं तो दोस्त समझ कर ही, तेरी मेरी सारी जिंदगी दोस्तों की तरह ही तो गुजरी है। मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकती, सारी बात ही झूठ है, मैं क्या करूं? है? ये सब कुछ झूठ है? हाँ ना, वो उस दिन शूटिंग के बाद ना सोनिया घर पर आई तो थोड़ा सा शो मारने के लिए मैंने उसको झूठ बोल दिया। उस दिन के पास से झूठ पे झूठ ही बोले जा रही हूँ। ये तो बड़े अफसोस की बात है बेटा। इसीलिए तो खुद पर भी गुस्सा आ रहा है मुझे अब्बा, और अब इस झूठ की पता कितनी ऊंची आसमान में उड़ गई है कि उसकी डोर मेरी लपेट में तक नहीं आ रही है। बेटा पतंग ऊंची हो ना तो उसकी डोर का मांजे का काट बहुत बुरा होता है, बड़ा गहरा होता है। पापा मैं क्या करूं? सोनिया की तो खैर है, मगर वो नीगफर और अनीता खोना, मैं नहीं कह सकती कि मैं झूठ कह रही थी। बेटा झूठ बोलकर आदमी को इज्जत मिलती है ना, लेकिन जब झूठ खुल जाता है तो उससे ज्यादा बेइज्जती होती है। ओ मेरा बेटा, मेरी बच्चू, मेरी रानी, मेरी शहजादी, अरे तू तो मुझको समझाया करती थी, अब
अब मेरी बात तू समझ नहीं रही है। चल मैं खुद अपने हाथों से तेरे लिए चाय बनाता हूँ, है तू यहाँ ठंड में बैठ, है अपने दिमाग की दही जमा, मैं चाय बना। अबे मैं क्या सोचूं? ये रात के 2 बजे तू क्या सोची है? अपने और मेरे बारे में सोचने को कह रही हूँ भाई, मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो वाला इसमें मेरे सोचने वाली क्या बात हुई? ऐसे ही फोन पेश करते रहोगे या अपने बड़ों को भेजोगे भी मेरे घर? मेरे बड़े? अबे मेरे बड़ों से ज्यादा छोटा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? आज ही जुगनू भाई से ठेले पे पंगा लिया मैंने, लिहाजा उनसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कहूं कि मेरा रिश्ता लेके जाए। लगता खड़ा किसी लौंडिया से बात कर रहे हैं। और रह गई छन्नो फुफो की बात, अरे उनसे ज्यादा बड़ी चरांदी कोई भी नहीं है। हाँ तो सही है ना, फिर क्यों जाऊं मैं ऐसे रिश्ता लेके? हाँ तो ऐसे बैठे रहोगे फिर? अबे अनारकली पहले सेटल तो होने दे यार, पैसा देला जेब में नहीं है, अपने दम कदम पर शादी करूंगा मैं। और वो तेरा बाप मुगले आजम एक नंबर का चरांदी आदमी है वो। मुगले आजम? इसका चक्कर अनारकली से चल रहा है? छन्ना को तो चल नीचे, वो चलकर अपना काम कर पक्का। मेरे से अब और इंतजार नहीं होता, बस मुझे नहीं पता, भेजो अपने घर वालों को मेरा रिश्ता लेने के लिए। अरे क्या बात कर रही हो ना, सारा मूड खराब कर रही हो। ये क्या हुआ, हम गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही तो है, बात औरतों में रहती तब भी कुछ नहीं था, मगर अब तो बात मर्दों में फैल रही है और ये सारा मुगले आजम फैला रहा है। मैं भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस रोज मजाक मजाक में मैंने मुगले आजम की जोरू का नाम लिया था तो कैसा मुझे झूठ 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 बोल के रुलवा दिया। उसने तो बाकायदा मेरी बेटी को रुसवा किया। ऐसी फैटी लगवाऊंगा, ऐसी फैटी लगवाऊंगा मुगले आजम के तू भी सारी जिंदगी याद करेगा साले। सोच को तरकीब सोच, सोच की मैं सोच की मैं सोच की मैं। अबे अपने आप को ही कीमा बोले चला जा रही है, लोग तो बोले। छोटे छोटे सपने बुने हैं, प्यारे 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 यार मांगुले हैं। छोटे 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 सपने बुने हैं, प्यारे 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 यार मांगुले हैं। उड़ जाओ जग घूमो रंगी फिजाओं में, उड़ जाओ जग घूमो रंगी फिजाओं में, आंचल में दुनिया समेटू। I tell you मुझको ही लगता है ऐसे, it's all about love, it's all about love।
ए फुप्पो, इस वक्त तो माफी कर दो। इधर तो आ, मैं तुझे तेरे बंदा चलाती हूँ। हे? हाँ, अरे तुम तो मैं शाह की सवारी आई थी ना, तो सच्ची बता कर गए कि तेरे बंदे किसने चुराए और कहाँ रखे? किसने चुराई है वो छोड़ो, ये बताओ रखी का है? हाँ बताती हूँ बताती हूँ, लेकिन पहले एक अहम खबर है। वो क्या? सुल्तान का चक्कर चल रहे हैं मुगले आजम की बेटी अनारकली से। क्या? अपना सल्लू अनारकली? हाँ हाँ, देख ले के मेरे हजरत का कमाल। ये कोई हजरत का कमाल नहीं है, ये तुम्हारी चुगलखोरी का कमाल लगता है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, इंटरनेशनल चुगलखोर बन जाओ। क्यों अपना टैलेंट बिला वजह यहाँ बर्बाद कर रही हो? ना मुराद, कैसे कैंची की तरह मेरी जुबान चलती है, है? कल जान नहीं बताती कि तेरे बंदे कहाँ है, अच्छा खासा तेरे बंदे जलाने लगी थी, अब नहीं बताऊंगी। चल तफा तफा। मैं पता नहीं नींद में फुफो क्या बड़बड़ा गई, वरना मैं तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर सकती हूँ क्या? बता दो ना फुफो मेरे बुंदे कहाँ हैं? अच्छा अच्छा बताते हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तूने मेरे पे इल्जाम लगाया था कि बुंदे मैंने चुराए और तलाशी के वक्त मैंने अपने मुंह में रख लिए। अब जब तू खुद देख लेगी ना अपनी आंखों से, तो मेरे सर से इल्जाम हट जाएगा। बता भी दो ना कहाँ रखे। तुम तो निशान बताया था ना सुल्तान ने चुराए। फिर वही बकवास, ली तो थी उसके कमरे की तलाशी। अरे मैंने तुम तो शाह की सवारी बुलाई ना, तो यही पूछने के लिए तो बुलाई थी। मैंने कहा तुम तो बंदे तो उसके नहीं निकले, उन्होंने फिर वो जगह दिखाई कि कहाँ छुपाए हैं। कहाँ छुपाए? कोई क्रीम वरीम के शीशे है, शाह यू नजरों के सामने से फिरा कर ले गए। हाँ तो चल ना मेरे साथ सुल्तान के कमरे में, मैं अपनी आंखों से देखूंगी ना तो मैं पहचान जाऊंगी। अभी? हाँ अभी कमरा खुला हुआ है ना, और वो नामुराद तो छत पे बैठा अनारकली से इशक लगा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता होगा भाई, तुम तो शाह ने बताया ना। मैं आज कहाँ छत पे चढ़ सकती हूँ, अक्कल काम करती है तेरी या नहीं? अब चल जाके जुगनू को जल्दी से जगा, चल। कौन वो तंदूर वाले सईद चचा का लड़का? हमायूं? उस हमायूं सईद की बात कर रही है? जी पागल लड़का, मैं कह रही हूँ हमायूं सईद, तो कह रहा है कौन? सईद चचा का लड़का, उन्हें कहाँ कहाँ से आ जाता है वो हमायूं? हमायूं सईद चचे का लड़का, एक मिनट। हुमायूं सईद चचे का लड़का, हाँ भाई किसी सईद नामी चचे का लड़का हुमायूं भी तो हो सकता है, और अगर वो हुमायूं सईद हो सकता है तो वो मेरा हुमायूं सईद क्यों नहीं हो सकता?